सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों को फिर से हाइपरसोनिक क्लब की तरफ से एक और स्पेशल वीडियो में हम लोग लेके आ चुके हैं। आज हमारे पास जो गाड़ी है दैट इज महिंद्रा XUV300, ये हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ जो है हमारे पास आ रखी है। लेकिन अब जो है आप लोगों को हम लोग चंडीगढ़ के अंदर भी एक सॉल्यूशन देने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का ब्रांड स्टोर जो है वो ऑफिशियली चंडीगढ़ के अंदर आने वाला है एंड वी आर सुपर रेडी फॉर इट। मोस्ट प्रॉब्ली 12 तारीख को हमारे जो है ब्रांड की ओपनिंग होने वाली है एंड वी ऑल आर गोइंग, हमारी पूरी टीम जो है वहाँ पर जा रही है। उसके बाद से आप लोगों को हो सकता है दिल्ली ना आना पड़े और हम वहीं पर आप लोगों को जो है सॉल्यूशन अवेलेबल करा दें। हमारे साथ है दिलीप भाई, जो कि आप लोगों को हर हमारे स्टीरियो की नॉलेज से रिलेटेड, चाहे उसकी जितनी भी इंस्टॉलेशन हो गई, चाहे उसमें कुछ भी अगर फॉल्ट आ रहा है, उस चीज़ का जो है सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराते हैं। आप लोगों को बड़ी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हाइपरसोनिक एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसके पास सारे लग्जरी ब्रांड्स, यानी कि ऑडी हो गया, बीएम हो गया, मर्सिडीज हो गई, हर ब्रांड का जो है हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास हेड यूनिट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ में सब कुछ अवेलेबल है। और बताओ बताएंगे क्या क्या है। आप पहले बताओ आपके क्या हाल चाल है, बहुत टाइम बता रहे हो। बढ़िया, सब बढ़िया। ठीक है भाई, तो दिलीप भाई को बहुत सारे लोग जानते हैं, स्टोर में कई सारे लोग भैया का नाम लेके आते हैं कि भैया इनसे इंस्टॉलेशन करानी है। तो भाई हमारी टीम और भी बहुत बढ़िया है, भैया तो है ही है, तो आप लोग जो और उसे करा सकते हो। आज हमारे पास क्या कंटेंट है ये बताइए। आज हमारे पास जो हमारा अल्ट्रा सीरीज है उसका थोड़ा न्यू लुक में आया है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये गाड़ी W8 है। तो भाई जो गाड़ी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इट्स अ ऑप्शनल वेरिएंट, टॉप एंड ऑप्शनल वेरिएंट। ऑलरेडी आप लोगों को टच स्क्रीन जो है इसके अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन स्टिल द पर्सन वांटेड टू अपग्रेड इट, सो इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। और उनका एक ट्रस्ट हाइपरसोनिक के ऊपर बना था एंड ही इज आर सब्सक्राइबर ऑल्सो, सो वो चाहते थे कि यार अपग्रेड अच्छे लेवल का होना चाहिए, तो करके दिया हमने, बिल्कुल करके दिया। और भाई क्या क्या मॉड्स की आपका दिल खुश हो जाएगा, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रोसेस, जैसा आप लोगों को हमेशा पता है कि हम लोग जो है ये भाई हमारा यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है, ये लोग कहते हैं कि भैया तांत्रिक हो क्या हो, तो भैया तांत्रिक नहीं है, ना ही हम कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम है, तंजीत है, हमारे एक और भाई है, क्या नाम है भाई, दानिश भाई हमारे साथ है। तो भाई ये जो हमारी पूरी टीम है भाई, पूरी वर्किंग करती है। तो और लो दिलीप भाई, एक चीज ऑडियंस को ये बताओ कि वाई कैलिब्रेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट, कि एक स्टीरियो तो लगा लिया, 360 तो लगा लिया, कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सर हर कैमरे के ना मल्टीपल एंगल्स हैं, ठीक है, अगर कैलिब्रेशन नहीं करोगे तो वो व्यूज आपको ना उल्टे सीधे दिखाएंगे, ठीक है। चार कैमरों की एक इमेज बनाने के लिए उनको बताना पड़ता है कि उनका कितना एरिया जो है कवर करना है, ठीक है। हम चार कैमरों को कैलिब्रेट करते हैं, हर एक कैमरे के 8 एंगल होते हैं, 8 इसके, 8 पीछे के और लेफ्ट राइट के 8। जब सारे 8 एंगल मिल जाते हैं तब एक कैलिब्रेशन बर्ड व्यू बनता है, ठीक है। और वही चीज जो है वो हम यहाँ पर अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से कोई भी 360 लगा रहा है तो ये हमारा कैलिब्रेशन मैट होता है। इसी के साथ में हमारा फ्रंट जो कैमरा है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ये हम लोगों का साइड मिरर वाला कैमरा है। तंजीत जो है वो अब यहाँ पर कैलिब्रेशन के लिए बैठ चुका है, पूरी वर्किंग है। अगेन इसमें हमारी मोनोपोली है तो हम सिखाएंगे नहीं भाई, लेकिन हमारी पूरी टीम जहाँ पर हमारे ब्रांड स्टोर्स है, जहाँ पर हमारी टीम है, जो हमारे डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल दे चुके हैं हम लोग उनको, ठीक है। और अदर ब्रांड्स भी लगाते हैं 360, लेकिन भाई अपनी ऐसी कैलिब्रेशन वाली बातचीत नहीं है। लेकिन कस्टमर चंडीगढ़ से यहाँ क्यों आए हैं, दूर से भी और दूर से पुणे से भी कस्टमर आते हैं कई जगह से, कि भैया हमें तो यही करानी है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। रियर कैमरा ऑलरेडी टॉप मॉडल में आता था, लेकिन इसको हमने डिसेबल करके इसको इनेबल किया, क्योंकि ये आपका 360 का जो है पार्ट यहाँ पर आप लोगों को जो है बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगेन इस गाड़ी में हम लोगों ने पहले मोटी मोटी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर इस गाड़ी में आप लोग दरवाजे ओपन करते हैं, अगेन वी हैव इंस्टॉल्ड 18 पीस वाला जो आपका एमियन लाइट आता है, ठीक है, वो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया। दिन के टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को इधर से तो नहीं पता चल रहा होगा, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड कस्टमर वर रियली हैप्पी कि उनको ये चीज़ देखने को जो है मिला। और भाई पर्सनली अगर 18 पीस में आप देखोगे, आप लोगों के पानी की बॉटल रखने वाली, कहीं सामान रखने वाला, वहाँ पर भी आप लोगों को जो है पूरा प्रॉपर लाइटिंग देखने को मिलेगा। और सर कितने इंचेस का स्टीरियो लगाया, कहाँ गए भैया? हाँ जी आ जाओ, कितने इंचेस का स्टीरियो है इसमें? 9 इंच का सिस्टम लगाया है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। यार हमने इसमें एक्सल लगा सकते थे क्या? एक्सल इसमें नहीं लगेगा सर, है ना, इसमें एसी के कवर हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक्सल में 10.33 लगा सकता था, लेकिन इसकी स्क्रीन ना पीछे से फिट होती है। ओके ओके ओके, ये हम लोग अटेन नहीं कर पाए, लेकिन भाई आप लोगों को पता है जैसा मजा हम देते हैं। आप लोगों ने 360 वाला यहाँ पर देखा था, आप लोग रियर में भी देख सकते हैं। अगेन ये आप लोगों का एमिन का लुक है, यहाँ पर भी आपको एमिन देखने को मिलेगा। हम लोगों ने रियल इंटरटेनमेंट भी इसमें इंस्टॉल किया। अब भाई दिलीप भाई आप कुछ भी बोलोगे सब माइक में आ रहा है, कैमरे से देख रहा है, अब सब कुछ माइक पकड़ेगा, तो अगर आप इसको कुछ समझा रहे होंगे तो हमारे उसमें आवाज आ जाएगी, ठीक है। तो ये रियर इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोगों ने जो है इसके अंदर पूरी चीजें इंस्टॉल की गई है, और आप लोगों को बकायदा टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसके 360 की कैलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू जो है इसके बारे में देता हूँ। मुसाफिर फैमिली स्पेयर पार्ट के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहती है, तो भैया इस टेंशन को दूर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए www.buno.com जो है वो लेके आया है स्पेयर पार्ट का एक सोल्यूशन।
ये तो आपके स्पेयर पार्ट जो है आपके डोर स्टेप तक पहुंचा ही देते हैं, साथ ही साथ में आप लोगों को एक असिस्टेंस भी देते हैं जो कि इनकी आपको वेबसाइट और एंड्रॉयड और आईओएस की ऐप के थ्रू मिलता है। इनका इंटरफेस बहुत ईजी है, इनकी कैटलॉग अवेलेबल है, साथ ही साथ में एक पूरा ब्लू प्रिंट है जिससे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ओल्ड गाड़ी है, न्यू गाड़ी है, कहीं पर भी कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, इनके पास आप लोगों को मिल जाएगा। करना क्या है, जाना है www.boodoo.com, स्पेयर पार्ट मंगा लो अपने डोर स्टेप में और किसी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करो। फाइनल मोड के सामने जो है आप लोगों को हम लोग लेके आ चुके हैं। इमिन लाइट का लुक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, रात के टाइम पे आपको जस्टिस अच्छी तरीके से जो है इसमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फुटलाइट का भी लुक चेक कर लीजिए और यहाँ पर हमारे भैया जी भी बैठे हुए हैं। और इसी के साथ में अगर आप रियर में बात करते हैं तो भाई रियर में सबसे पहले स्क्रीन से स्टार्ट करूंगा, जो रियर में हमने स्क्रीन लगाई है तो इसको भाई ये क्योंकि मेरे दिल के इसलिए खास है क्योंकि मैंने अपनी किया के अंदर लगाया था इसको, ठीक है भाई। ये वाइट होते ही आप लोग की ये हाइपरसोनिक की चमकती हुई स्क्रीन जो है वो ऑन हो चुकी है। थोड़ा बताइए सर कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी। सर ये 2GB रैम 16GB स्टोरेज है, ओके, और अल्ट्रा HD है। इसके अंदर आपको जो है 7 कलर की एम्बिएंट लाइट्स मिलती है भाई, देखो नीचे भाई, याद होगा आप लोगों को। और इस स्क्रीन में HDMI आउट और HDMI दोनों ऑप्शन। अच्छा भैया ये कह रहे थे मेरे से यार इन्होंने मेरे को आगे वाली स्क्रीन वाली चीज पीछे नहीं दी, तो वो क्यों नहीं दी हमने? क्योंकि जब आगे जो स्टीरियो जो आउट देता है वो HDMI कंपैटिबल नहीं होता, ठीक है, और यहाँ दोनों HDMI कंपैटिबल है। मैं आगे से वीडियो आउट दूंगा वो VGA के थ्रू होगा, RCA के थ्रू, ठीक है। RCA से जब पीछे HDMI में आएगा तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज जो है नहीं करी। और भाई मतलब इसका रिपोर्ट अगर आपको लेनी हो तो मुसाफिर भैया की आप लोग वीडियो देख लेना, और हमने अपनी गाड़ी में लगाया था, क्या रिपोर्ट थी भाई इसकी, बहुत ही जबरदस्त। और मूवीज में जाओ, किस में होता है इसमें गाने वाने होते हैं कुछ? बिल्कुल होते हैं सर, ऑल में जाइए ये गाने लो भाई। ओए हो, ये तो मूवी डली हुई है क्या? मूवीज भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं इसके अंदर भाई साहब, चेक दिस आउट गाइस। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल, ये भी चीज़ आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं उनको क्या एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्या जबरदस्त वाला XUV300 के अंदर आप लोग जो है रियर एंटरटेनमेंट का रिस्पांस जो है चेक कर रहे हैं। ग्लैडिएटर मूवी चल रही है और भाई यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा, किसी भी एंगल से देखो, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ऑना गो हो, ईयरफोन लगाओ या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, आपका काम शॉर्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल होगा सर, वायरलेस अपना BT भी कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर पीछे बैठ के, केबल से भी लगा सकते हो, प्लस आप अपना इसके स्टीरियो को फ्रंट स्टीरियो के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाड़ी में भी सो सकते हो। तो भाई परफेक्ट हो गया, ये तो बात हो गई भाई मोटी मोटी हमारे रियर एंटरटेनमेंट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं हमारी गाड़ी के तरफ में, और ये जो है ये सॉल्यूशन आप लोगों को जो है हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। तो भाई सबसे पहले गाड़ी ऑन करते हैं, अब थोड़ा लो लाइट हो जाएगा तो आप लोग आएगा समझ सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर थोड़ा इसको डिम कर देते हैं हल्का सा, देखो भाई देख रहे हो आप, तो भाई आपको पता है ना जो भी चीज़ आपको दिखाई दे, 210 मोड है सर इसके अंदर भाई साहब, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर अपना ओपिनियन जो है इसके अंदर आप लोग दीजिएगा। एक नंबर की वर्किंग जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले 360 के बारे में बात कर लेते हैं, हमारी वन ऑफ द फेवरेट चीज़। सबसे पहले इसका इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, सर बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन है सर, क्या ये लेटेस्ट इंटरफेस है, ठीक है, और इसमें भी 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ है, ओके, एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड दोनों इसके अंदर वायरलेस है, ठीक है ठीक है। और वीडियो क्वालिटी आप देख ही रहे हो सर, भाई साहब आप लोगों को जो है पूरा क्वालिटी जो है वो प्रीमियम जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर अपना ओपिनियन जो है वो हमारे लिए छोड़िएगा। माउंटेड कंट्रोल सारे आप लोगों के परफेक्ट तरीके से वर्क करेंगे, एमिन लाइट की फिनिशिंग कोई नहीं कह सकता आफ्टर मार्केट लगे, कह सकता है भाई सर? देखो ना मेहनत, लड़कों की मेहनत है भाई, ये हमारी पूरी टीम है हाइपरसोनिक क्लब की, जो हम इतने ठोक के बोलते हैं ना कि भैया लगवाना है तो हाइपरसोनिक से लगवाना है, तो कहीं से नहीं लगवाना। कस्टमर ने मेरे से सलाह ली थी पहले कि भैया मुझे यहाँ लगवानी है, ठीक है, मैंने कई गाड़ियों में देखी लगी हुई, मैंने कहा अगर आपको अपने दरवाजे सेफ रखने हैं, ठीक है, नहीं करानी, ठीक है, तो ज्यादा लंबी लाइट के ऊपर ट्रस्ट मत करो, यहाँ लगवाओ अच्छी लगेगी। बढ़िया रिकमेंडेशन अच्छी करते हो आप, इसी की वजह से ऑडियंस जो है हमारे साथ कनेक्टेड भी रहती है। अब सबसे बढ़िया 360 की चीज अगर आपने राइट में इंडिकेटर डाला तो आपका राइट वाला व्यू फीचर है सर, ये भी ये लेटेस्ट फीचर है इस मॉडल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैप चल रहा हो आपका, जैसे हम वीडियो चला रहे हैं, मैप चला रहे हैं, तो पूरी में कैमरा आ जाता है, ठीक है, तो वो लिखा भी आ रहा है, राइट लिखा भी लेफ्ट आ रहा है, और देखो क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। टायर दिख रहा होगा आप लोगों को, चीज और दिखा देता हूं इसमें, बताओ ना सर। डबल क्लिक, जैसे किसी को व्यू देख रहे हो, डबल क्लिक करते हैं यहाँ गए आप, ठीक है ठीक है, आप 360 ऑन कर दिया आपने, ये 360 चल रहा है, किसी व्यू पे जाते हो आप, उसको डबल क्लिक करते हो तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन से बड़ा, मतलब इधर क्लिक करना है। अरे बहुत बढ़िया, अरे तो ये नया फीचर आया क्या? कोई सा, हाँ जी कोई सा फीचर हो उसके अंदर बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यू, ये आप लोगों का 360 व्यू 3D के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अब हम लोग अगर 2D में कर देते हैं, दिस इज योर फ्रंट व्यू, दिस इज योर रियर व्यू, फ्रंट से लेफ्ट का व्यू, फ्रंट से राइट का व्यू। इसमें हम हैचबैक कार लगाएंगे अभी, वो क्या होता है, अच्छा अभी सेडान दिख रही है ना गाड़ी, ठीक है, हैचबैक है, तो हम इसमें वो लगा देंगे, ठीक है, इंटरनेट स्लो है तो मैं इसकी सेटिंग करूंगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा 360 का रिस्पॉन्स है, तो हमने आपको हमेशा दिखाया। अब इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा अगर आप डालते हैं, सो देयर यू गो, आप लोगों को इस चीज़ का भी सॉल्यूशन अवेलेबल हो रहा है। और ये भाई देखो, ये केवल हाइपरसोनिक ही अवेलेबल करा सकता है, ठीक है। फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यार, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, फ्रंट का लेफ्ट, फ्रंट का राइट,
रियर पूरा फ्रंट का जो है दोनों साइड का व्यू। और इसी के साथ में अगर आप इसको इधर जाके 3D में करते हैं तो 3D मोड में आप लोग हर चीज़ को जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर अपना ओपिनियन जो है वो हमें देके जाइएगा। सर ये लाइटें कैसे रेड आ रही है, सर ये क्या है? ये साइड की लाइट से कस्टमर ने इस हिसाब से कलर चेंज, इस सिस्टम के अंदर ऑप्शन है वो, ये किसी किसी के अंदर ही आता है, किसी सब में नहीं होता ये। ओके, अपना जैसे अल्ट्रा एडिशन है उसके अंदर फीचर्स है ये कि आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। भाई साहब यार, लेकिन मेरा दिल तो खुश हो गया भाई। कॉन्फ़िगरेशन फिर से बताइए सर। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, दिखा भी देता हूँ आपको। दिखाओ एक बार, चेक कराओ आप। सबसे बढ़िया चीज एंड्रॉइड 13 है ये भाई। देखो सर, सारे कस्टमर कहना 13 वर्जन चाहिए 13 चाहिए, अभी सिर्फ इसके अंदर अभी जस्ट आया ही है। ठीक है, ठीक है, कहीं आप 2.16 नॉर्मल सिस्टम में मेरे को ये 13 वर्जन चाहिए, ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, और उसके बाद और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर अबाउट डिवाइस में, यहाँ जाते हैं 1280x720 की रेजोल्यूशन है इसकी। ठीक है, अब अपना 2.0 कर दिया 1.8 से हमने, ठीक है, बढ़ा दिया भाई। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के अंदर आता है। और ये भाई जेनुअन है, ये वो मार्केट वाला नहीं है कि वो नकली बना रहा है। हमारे यहाँ इन चीजों में कोई ये सब कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। और भाई हाइपरसोनिक क्यों बोलता हूँ आप लोगों को पता है, एक चीज और क्वालिटी देखो बताओ ना सर, इसके कुछ ओरिजिनल फीचर भी होते हैं जो ऑन होते हैं? ओरिजिनल फीचर बिल्कुल ऑन होते हैं। डोर वोर की आती है इसमें? तो बिल्कुल आते हैं, दिखाओ सर एक बार। डोर चेक करो, डोर 360 पे भी ऑन किया हुआ मैंने इसमें। क्या बात कर रहे हो, अरे भाई सेक्सी यार, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कस्टमर ने बोला मेरे को इसके एवरेज इन्फॉर्मेशन वगैरह कहाँ कैसे मिलेगी। ठीक है सर, बिल्कुल बैठे हैं आप किसी चीज़ के लिए। ओए होए भाई, एवरेज फ्यूल, इलैप्स टाइम, क्रूजिंग रेंज, भाई सिंस रिफ्यूल्स, एक्सटेंडेड पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको। और ये केवल जो है ना ये हाइपरसोनिक ही अवेलेबल करा सकता है, और लोगों को भाई फिर उनके कैनवस चलते तो है नहीं, आधे ज़्यादा लोगों के कैनवस कहाँ चलते हैं कहने की बात है कि भैया चल रहा है। कहानी बताऊं तो बहुत कुछ है कैनवस में तो यहाँ पे अभी। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसके अंदर क्या है कि ये है W8। ठीक है, और W6 के अंदर भी और 8 के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जब आप टच स्क्रीन आ जाती है गाड़ी के अंदर, एक इसमें आता है मैनुअल बटन वाला छोटे से डिस्प्ले के साथ, ठीक है, उसमें तो ये पैनल की कोई दिक्कत नहीं है बैठा सकते। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या होता है कि इसके अंदर ना ये गैप आ जाता है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसमें हमने मॉडिफिकेशन करी हुई है, इसमें हमने ये क्रोम लगाया, क्रोम पैटर्न लगाया है इस गैप को खत्म करने के लिए। यार ये देखो भाई साहब, देखो ये कौन बताता है वीडियो में, कोई नहीं बताता, कर देंगे चुपचाप। इसको हमने स्टाइल किया है कि कुछ लुक भी खराब ना हो गाड़ी का और कस्टमर भी हैप्पी हो जाए, परफेक्ट हो गया। खाली जगह छोड़ेंगे तो बेकार लगेगा। बहुत बढ़िया भाई, और आप लोगों को आई गेस मजा आया होगा। अब चलते हैं कस्टमर रिव्यू की तरफ, फिर करेंगे वीडियो को एंड। कस्टमर रिव्यू के बिना हम कोई भी वीडियो को एंड नहीं करते। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल जी हमारे साथ है, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। एंड सर सबसे पहली जरूरी चीज जो मैं जानना चाहूंगा, आप चंडीगढ़ से दिल्ली क्यों आए ये बताओ। हम आ रहे थे सर चंडीगढ़, हम स्टोर लेके आ रहे ब्रेड का, वो मुझे पता नहीं था। ठीक है, अगर पता था सर यहाँ नहीं पहुँचते, वहीं से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो मेरे को था क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले क्वालिटी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। ठीक है, आपको मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, प्रिंस भैया को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ। ओके सर, आपके चैनल पे अनलिक के लिए अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक वीडियो देखने मिली, XUV300 की नहीं थी मेरे लिए, वही बहुत थी। तो अब दूसरी आने वाली है यहाँ पर, तो आप लोगों को इसमें तो पूरी ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगी, है ना भाई। तो मेरा था 360 कैमरा सबसे पहला फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, बेस्ट थिंग थी जो चारों कैमरा मिलकर जो व्यू बनाते हैं ना मर्ज करके, दैट इज सीमलेस। ठीक है, मैंने कई वीडियो देखी, उनके चारों कैमरा कैलिब्रेशन भी हो रखी है, तभी ऐसा लगता है फिशाई, चार फिशाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वॉक कर रही है। वो मुझे पसंद नहीं था, और एजेस पे वो कैमरा मैच नहीं हो रहा था, मुझे इसलिए आना पड़ा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आके मैंने आपकी एक और वीडियो देखी, आपकी अपनी किया गाड़ी की रियर व्यू, रियर हेडलाइट, हाँ बिल्कुल। फिर मैंने अपना एम भी लगवाया उसमें, जबकि मेरा एम का प्लान नहीं था, एक ट्यूब रखवानी थी। भैया ने, दिलीप भैया ने मेरे को एडवाइस करा कि आप एम पे जा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बैटरी प्रॉपर एम रखो और बॉक्स रखो। तो सर साउंड क्वालिटी ऑसम हो गई है, जबकि ये गाड़ी W8 ऑप्शनल है, टॉप मॉडल। ठीक है, मैंने कंपनी का स्टीरियो निकलवा के हाइपरसोनिक का डलवाया है, 464GB का, आई एम रियली हैप्पी। तो सर रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे? और सर मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि किसी को बोलूंगा आप बताओ। मेरे लिए एक अच्छी बात है, जैसे आपने बताया, खुशी की बात है कि मैं इतना सामान डलवा के जा रहा हूँ। हाँ जी, अब मुझे कुछ वारंटी लेने में दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। करेक्ट, मैं चंडीगढ़ आपको इसकी जो है पूरी सर्विस मिल जाएगी। खुदा ना खास्ता देखो इलेक्ट्रिकल चीज है, कुछ दिक्कत आ जाए तो हम आपकी सर्विस में अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। आपके असिस्टेंस के लिए हमारी पूरी हाइपरसोनिक की टीम है, और भाई कैलिब्रेशन से लेके इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज तक सर हमारा व्यवहार अच्छा है कि नहीं है? अरे सर बहुत बढ़िया है व्यवहार, व्यवहार के बिना इतना बड़े काम हो ही नहीं पाता ना। बस हम वही चीज चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के साथ व्यवहार जो है बढ़िया होना चाहिए, और जो भी लोग आ रहे हैं जो हम वीडियो में दिखाते वही हो रहा है। एग्जैक्टली 100% हो रहा है। मेरे को तो जो कैलिब्रेशन हुई वो देख के मजा आ गया। अभी इसका कैमरा की क्वालिटी इतनी सुपर है, इतनी HD क्वालिटी है, बस मैं अभी नाइट में जाऊंगा, मेरे जो ओरिजिनल कंपनी कैमरा था दैट इज लॉट्स ऑफ नॉइसी, बैक करना तो आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि बैक हो भी पाएगा। इसमें आपको मजा आएगा, अभी आ रहा था। ठीक है, फिर चलूंगा। तो आई गेस गाइस आप लोगों को मजा आया, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एक बार ऐसे कर दिया सर, बाय बाय बाय।